सब्सक्राइब कीजिए एज इन्फॉर्मर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले। आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो कंपनी फर्जी है या जेन्युइन है, तो ये कैसे पता करेंगे? तो आज के इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सा कंपनी सही है और कौन सा कंपनी फर्जी है, ये पता करने का एक बेहतरीन तरीका। तो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि अभी के दौर में जो बहुत सारे लोग जो बेरोजगार होते जा रहे हैं और ऐसे कंडीशन में वो चाहते हैं कहीं ना कहीं किसी तरह से उनको नौकरी लग जाए या किसी कंपनी के लिए वो किसी भी तरह से काम करें और इसके बदले में उनको रिटर्न में पैसा मिले, उनको सैलरी मिले। लेकिन इस जल्दीबाजी के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो लॉन्ग लास्टिंग के लिए वो कंपनी सही है या नहीं है। तो असल में हुआ ये है कि बहुत सारे लोग जो है फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं या झूठ मूठ का कहते हैं कि चलिए ये प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है और आप मेरे यहाँ जॉब कीजिए, कुछ दिन काम करवाते हैं, काम जेन्युइन करवाते हैं और इसके बाद पता चलता है कि वो पैसा नहीं देते हैं। ऐसे कंडीशन में जब आप जा करके केस करते हैं या जो भी चीज़ आप उसके रिगार्डिंग कंप्लेन करते हैं तो पता चलता है अरे भाई ये तो कंपनी है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर अभी भी आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने कंपनी का स्टेटस चेक कर सकते हैं अगर इंडिया में है तो। और दूसरी बात यह है कि अगर इन फ्यूचर आप जॉब करने जाए या आपके फैमिली में कोई भी आदमी जॉब करने जाए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इसीलिए मैं लास्ट में चाहूंगा कि वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक तो कीजिएगा, साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल उनके लिए होगा जो प्राइवेट लिमिटेड की बात मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड किसके अंदर रजिस्टर्ड होता है? ऐसा कोई मिनिस्ट्री होता होगा तो उसको कहते हैं MCA। MCA का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। जो सुनते हो या कंपनी एक्ट जो है, कंपनी एक्ट जितने भी होते हैं, ये पहले 1956 था, इसके बाद जो चेंजिंग हुआ 2000 के बाद जो है, तो ये जब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये कंपनी रजिस्ट्रेशन, जैसे कोई कहते हैं कि कोई भी कंपनी है SCL टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, सपोज डैट Lenovo है, अगर इंडिया की कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो Lenovo आगे जो भी होगा और इसका लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड PVT.LTD। तो ये जो होता है प्राइवेट लिमिटेड कहिए या लिमिटेड कंपनी में, जैसे रिलायंस है तो रिलायंस लिमिटेड कंपनी है, तो इसका स्टेटस कैसे चेक करें कंप्लीट? तो इसके लिए आपको जाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के वेबसाइट पे। और वहां पे जाने के बाद कैसे? तो वहां पे जाने के बाद आपको दोस्तों सबसे पहले या तो दो ही चीज होगा, आपको LLP नंबर मालूम होगा उस कंपनी का जिसमें जॉब कर रहे हैं या करने वाले होंगे, तो ये भी नहीं पता है, सिर्फ कंपनी का नाम पता है। तो ऐसे में मास्टर डेटा में जाइए और वहाँ पे मास्टर डेटा में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले कंपनी को सर्च कर लीजिए। सर्च करने के लिए आपको एग्जैक्ट कंपनी का नाम है अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस कंपनी का जो है शुरुआती लेटर जो होता है, शुरुआती लेटर के साथ या एक वर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो वर्ड आप वहाँ पे टाइप कर दीजिए और टाइप करने के बाद वहाँ पे सर्च कीजिए। सर्च कीजिएगा तो उस नाम से हो सकता है बहुत सारे कंपनी रजिस्टर्ड होंगे उस कीवर्ड से पार्टिकुलर, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, तो वहाँ पे जो एग्जैक्ट कंपनी का नाम है वहाँ पे बहुत सारे लिस्ट होंगे, फाउंड होंगे, वहाँ पे लिखाएगा कि इतने कंपनी फाउंड हुआ है, उसका लोकेशन किस जो है जगह से रजिस्टर्ड है वो, और उसका जो है नंबर, जो LLPIN नंबर होगा तो वो नंबर, तो वो नंबर आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया और इसके बाद जो है वो नंबर कॉपी करने के बाद आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट पैड में रख लीजिए या कहीं पे भी लिख लीजिए। और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के ही उसी वेबसाइट पे आपको जो है, आपको एक कॉर्नर में देखिए, कभी साइट का लुक चेंज होते रहता है, तो ऐसा है कि ये वीडियो लॉन्ग लास्टिंग के लिए है तो इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। वहाँ पे मास्टर डेटा में जाइएगा और मास्टर डेटा में जाने के बाद वहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, वो जो नंबर है वो नंबर को इंटर कीजिएगा और जैसे ही नंबर इंटर कीजिएगा और सर्च कीजिएगा तो पूरा कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा और साथ ही साथ उस कंपनी का डायरेक्टर कौन है, उसका अपना ID जो होगा, जो डायरेक्टर का होगा वो ID है, इसके बाद वो एक्टिव है कंपनी की नहीं, लिस्टेड है या नहीं, उसका जो है बैलेंस शीट कब तक सबमिट हुआ है, कहाँ से रजिस्टर्ड हुआ है, उस जो रजिस्टर्ड हुआ है तो जो रजिस्टर्ड करते वक्त कोई ईमेल होगा वो ईमेल, या जो बहुत सारे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं उनके पास अपना ईमेल नहीं रहता है तो वो चार्टेड अकाउंटेंट हायर करते हैं, तो चार्टेड अकाउंटेंट अपना ईमेल आईडी वहाँ पे डाल देते हैं। तो ऐसे में भी आप एक तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि जेन्युइन है या नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये
चीज कहना चाहूंगा, इस वीडियो को इसलिए शेयर कीजिएगा और दूसरे लोगों को भी बताइए कि आने वाले समय में कोई ना कोई लोग या तो किसी कंपनी के लिए काम बिजनेस भी कीजिएगा तो किसी कंपनी के लिए आप काम कीजिएगा, सिंपली सी बात है। आप उसको या तो एक्सपोर्ट कीजिएगा, उससे इंपोर्ट कीजिएगा सामान को, या जॉब करने के लिए आपके अगल बगल के लोग या आप खुद ही जाइएगा, तो वहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कंप्लीट जो स्टेप मैं बताया हूँ, जो गाइड किया हूँ, ये सिर्फ कब लागू होगा, जब जिस कंपनी के बारे में सर्च कीजिएगा तो वो होंगे प्राइवेट लिमिटेड से रजिस्टर्ड होंगे तभी। अगर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड नहीं होंगे, ये चीज़ थोड़ा सा पॉइंट आउट करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका जिस कंपनी में जॉब करने जा रहे हो वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, तो फॉर्म एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड हो सकते हैं, तो यहाँ पे सर्च नहीं होगा। तो ऐसे मत समझिएगा कि वह कंपनी फर्जी है। हाँ, अगर कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखता है तो ऐसे कंडीशन में हर हाल में MCA की वेबसाइट पे, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के वेबसाइट पे एकदम 100% होना आवश्यक है। अगर नहीं है, इट मीन्स कंपनी फर्जी है, फेक है, तो ऐसे में आप अपने आप को बचा के रखिएगा। और अगर फॉर्म एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है तो यहाँ से नहीं हो सकता है। अब ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रजिस्टर, इसका भी ऑनलाइन पोर्टल मेथड आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या कभी जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ऐसे ऐसे जानकारी के लिए, इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर जो बेल आइकन का बटन होगा, नोटिफिकेशन आइकन का बटन, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।